नमस्कार साथियों, फिर से आपके सामने हाजिर हैं खुलासों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। और आगे बढ़ाने से पहले ही मैं बता दूं आपको, दिस इज स्टिल अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये अभी जो हम बताने वाले हैं ये भी खुलासे का एक थोड़ा सा हिस्सा है, लंबी कड़ी है। लगातार आपके सामने ऐसे धमाकेदार खुलासे इस संस्था के बारे में, इस संस्था को कैसे खत्म किया जा रहा है उसके बारे में हम बताते रहेंगे। अगली स्लाइड दिखाइए। तो अब आपको जो पहले बताया पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते की शुरुआत में, वो आईसीआईसीआई था। ये नया खुलासा है कि चेयरपर्सन जो सेबी की हैं माधवी जी, माधवी पुरी बुच जी, वो 2018, ये 2018 साल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, 2018 में वो सेबी की होल टाइम मेंबर बन चुकी थी। अब होल टाइम मेंबर बनने के बाद उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी एक कंपनी को किराए पे दी। आप कहेंगे क्या हो गया, हम अक्सर ऐसा करते हैं, अपनी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है किराए पे दे दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल आपका सवाल जायज होगा। तो 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इनको 7 लाख रुपए साल का किराया उस प्रॉपर्टी से मिला। 2019-20 ये भी अभी भी वो होल टाइम मेंबर हैं, सेबी में हैं, किराया 36,75,000 उसी प्रॉपर्टी का मिला। आप पूछेंगे 7 लाख से सीधा 36 लाख, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। हो सकता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुछ महीनों के लिए दिया हो, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। फिर ये बढ़ता बढ़ता 46,05,000 इस साल तक गया। आपको लगेगा कि ये पवन खेड़ा क्यों बोल रहा है, किराए पर दिया तो किराया मिलेगा, किस कंपनी को दिया? अब सवाल यह है कि किस कंपनी को माधवी पुरी बुच जी और उनके पति के नाम की एक प्रॉपर्टी है, बंबई की ये प्रॉपर्टी है। कंपनी का नाम है कैरल इन्फो और सर्विसेज लिमिटेड, कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड। आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी ये नाम ले लेती है कंपनी का, आगे भी तो बताइए, आगे बताते हैं आपको। तो कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड वोकार्ट लिमिटेड नाम की एक कंपनी का हिस्सा है, प्रमोटर सेम है, फिर भी आपके दिमाग में आएगा कि हां तो क्या हुआ। वोकार्ट एक ऐसी कंपनी है जिस पर माधवी पुरी बुच जी जो सेबी में हैं, सेबी लगातार वोकार्ट पर अपने ऑर्डर्स दे रहा है, उनके केसेस को डील कर रहा है। माधवी पुरी बुच जी चेयरपर्सन है, जिस संस्था की वो चेयरपर्सन है उस संस्था में वोकार्ट कंपनी के केसेस हैं, शिकायतें हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग तक का एक केस था जिसका भी सेटलमेंट माधवी पुरी बुच जी जिस संस्था में हैं, जिस संस्था की वो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उस संस्था ने वोकार्ट की इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस का भी निपटान किया। ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसे करप्शन कहूंगा। दिस इज नॉट जस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज आउट एंड आउट करप्शन। आप जब होल टाइम मेंबर बनती हैं सेबी की, तो आप एक कंपनी को अपना घर किराए पे दे देती हैं, उस कंपनी के केसेस आपके पास आते हैं, किराया 46 लाख इस साल सालाना किराया था। टोटल अब तक आप उस कंपनी से किराए के 2,16,55,000 ले रखे। हम ये जानना चाहते हैं आपने इस सब को कहां कहां डिक्लेयर किया, किस किस को आपने बताया, किस किस संस्था के सामने आपने ये बताया, और क्या ये उचित है कि आप होल टाइम मेंबर बनती हैं तो आईसीआईसीआई के शेयर्स से लेकर अपनी प्रॉपर्टी भी ऐसी कंपनी के एक अधिकारी को आपने किराए पे दी जिस कंपनी के आप केसेस निपटाएंगी सेबी में, या सेबी केसेस निपटाएगी।
इज इट लीगल, इज इट प्रॉपर, इज इट एथिकल? ये तीन सवाल हैं। क्या ये नैतिक दृष्टि से ठीक है? क्या ये कानूनी दृष्टि से ठीक है? क्या इसको आप सही ठहराएंगे? हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप जब माधवी जी को सेबी का प्रमुख बना रहे थे, क्योंकि बनाया किसने? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बनाया, एसीसी, ये दो लोग हैं। ये मैं बार बार नाम लेता हूं, चेहरा भी दिख रहा है आपको, पहचाना हुआ चेहरा है। ये दो लोग एसीसी में थे, हैं, इन्होंने सेबी की चेयरपर्सन को इलेक्ट किया, बनाया, अपॉइंट किया, इलेक्ट नहीं अपॉइंट किया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग थी आपकी सेबी की चेयरपर्सन के साथ कि आपके जो भी व्यावसायिक संबंध आपके परिवार के जिस भी कंपनी से हैं, थे और बनेंगे, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे? हो सकता है ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई हो, बड़े बड़ी जगह पे ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती होगी। आजकल न्यू इंडिया, नए भारत में कुछ संभव है? तो अगर ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी तो प्रधानमंत्री जी कृपया करके सामने आइए और इस देश को बताइए कि हां, मैंने ऐसी अंडरस्टैंडिंग की थी सेबी प्रमुख के साथ, उनको सेबी प्रमुख बनाने से पहले, कि उनके व्यावसायिक संबंध, उनके और उनके परिवार के जितने भी व्यावसायिक संबंध हैं जिस भी कंपनी से हैं, उसमें वो हस्तक्षेप सरकार नहीं करेगी, वित्त मंत्रालय नहीं करेगा, सेबी नहीं करेगा। कभी सुना है आपने? एक के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री चुप है और बाहर जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की, कौन गंभीरता से लेगा? आपने खुद किस तरह के व्यक्ति को एक रेगुलेटरी बॉडी का प्रमुख बनाया है, उनके जैसे अंग्रेजी में कहते हैं स्केलेटन्स कितने निकलते चले आ रहे हैं उनके कबर्ड से, रोज निकल रहा है। अभी तो कबर्ड का एक दराज खुला है, कबर्ड में बहुत सारे दराज हैं, दराजों में बहुत सारे स्केलेटन्स हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं प्रधानमंत्री को। हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या माधवी जी से पहले और भी लोग अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज में बनाए थे, हमारी सरकार के वक्त भी बनाए थे, कई उदाहरण हैं, मेरी प्रेस रिलीज में मैं आपको उदाहरण भी दूंगा। उन्होंने अपने शेयर्स किसी ट्रस्ट को दे दिए रेगुलेटरी बॉडी में आने से पहले, डिक्लेयर किए क्या क्या उनके व्यावसायिक संबंध थे, क्या क्या उनके इंटरेस्ट थे, वो उन्होंने उसका पहले पूरा निपटान करने के बाद रेगुलेटरी बॉडी में आए। यहां तो आप रेगुलेटरी बॉडी में हैं, आपके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, हर कंपनी की आप लेखा जोखा रखती हैं, सब कुछ जानती हैं, और आप ही उन कंपनीज में, इतना आपके व्यावसायिक संबंध है उन कंपनी से, ये कैसे संभव हो सकता है? ये बात हम प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा कौन सा उन्हें मंत्र दे दिया, ऐसा कौन सा आपने वरदान दे दिया उनको, ये वरदान से कम नहीं है कि वो जो भी करें वो माफ है, ये तो वरदान ही हो सकता है। तो ऐसा वरदान प्रधानमंत्री जी आपने और किस किस को दे रखा है, ये भी बताएं जरा हम सबको। ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं, माफ कीजिएगा, इसी प्रेस वार्ता से संबंधित ये फोन है तो मैं उठाऊंगा, और ये जानकारियां जो लगातार आ रही हैं जी, तो इस पे भी हम एक प्रेस वार्ता करेंगे। सैलरी एक और, धन्यवाद, थैंक यू, बाद में बात। अब आपको, आपके सामने हो रहा है, ये लगातार हो रहा है, ऐसी ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि यही माधवी जी सेबी की प्रमुख और इनके पति और कहां कहां से क्या क्या ले रहे हैं। अभी आपके सामने एक और प्रेस वार्ता का सामान है, ये मजाक की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। करोड़ों करोड़ों लोगों की का आस्था और विश्वास इस रेगुलेटर की वजह से भारत के मार्केट पर है, और रेगुलेटर अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर रेगुलेटर के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे तो मेरी और आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे, यह चिंता है हमारी, चिंता राजनीतिक पार्टी की हैसियत से एक चिंता है, क्योंकि हम इस मिडिल क्लास
की जो चिंताएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए ही राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए हम आपके सामने बार बार इतनी रिसर्च करके आते हैं। हमें चिंता है कि इस देश की जो छवि है, इस देश के मार्केट की जो साख है, उसकी चिंता देश का प्रधानमंत्री नहीं कर रहा। हमें इस बात की बहुत बड़ी चिंता है। आपके सवाल, क्लियर था, समझ में सबको आया होगा। सेबी की होल्ड टाइम मेंबर बनी, बनने के बाद अपनी प्रॉपर्टी एक ऐसी कंपनी को किराए पे दी जिस कंपनी के 3-4 केसेस उनकी सेबी में आए हुए हैं, और वो केसेस की जजमेंट आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने। और मैंने आपकी सहूलियत के लिए, ताकि जितनी रिसर्च हमें करनी पड़ती है आपको नहीं करनी पड़े, वो नियम भी बता दिए हैं कि किन किन नियमों की अवहेलना इसमें हुई है, कौन कौन से कानून, कौन कौन से नियम इसमें तोड़े गए हैं, वो भी आपके सामने है। पवन जी, ये जो आज अगली फेरिस्त में खुलासा किया है, ये जो रेंटल इनकम है, क्या इसका डिस्क्लोजर कहीं पे भी सेबी प्रमुख ने किया है? पूछिए, हम यही पूछ रहे हैं, कहां कहां आपने डिस्क्लोजर किया? भाई आप मुझे बताइए, बंबई जैसा शहर, आप में से बहुत लोग बंबई से वाकिफ होंगे, मैं तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं, जो रेंटल इन्वेंट्री है, जो प्रॉपर्टीज रेंट के लिए अवेलेबल हैं, वो वैसे ही इतनी कम है, तो आपके पास तो बहुत लोग आ जाएंगे अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहेंगे, आपने यही कंपनी क्यों चुनी? कई सवाल हैं, अभी तो आपने शुरुआत की है, इसमें से और कई सवाल निकलेंगे। ये जानकारी आपको उन्हीं से लेनी चाहिए, बिल्कुल सही सवाल है। ये भी हमारे दिमाग में और हमारी रिसर्च टीम के सामने सवाल आया कि इतना भारी रेंट किस प्रॉपर्टी का है, लेकिन अब वो तो आपको थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना होगा। अभी बड़ा अजीब सा माहौल चल रहा है देश में, जिनको राजनीति करनी चाहिए वो अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जर्नलिज्म करना चाहिए वो राजनीति कर रहे हैं। सर पार्लियामेंट की जो पीएसी है, उसके चेयरपर्सन केसी वेणुगोपाल हैं, कांग्रेस सांसद और नेता, उसकी जो बुलेटिन जारी हुई है उसमें रेगुलेटरी बॉडीज की समीक्षा की बात है। क्या कांग्रेस चाहेगी कि पीएसी जो है, चूंकि सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है सेबी चेयरपर्सन पर लग रहे आरोपों के मद्देनजर, क्या ऐसे में कांग्रेस ये मांग करेगी और चाहेगी कि पीएसी समन करे सेबी चेयरपर्सन? पहली बात तो ये कि ये बात आपकी गलत है कि सरकार गंभीर नहीं नजर आ रही, सरकार डरी हुई है। अब वो सरकार नहीं रही जो आज से 6 महीने पहले की सरकार थी। अब इस सरकार का हर विभाग में कोई ना कोई अफसर ऐसा है जिसको समझ में आ गया कि डरने से काम नहीं चलेगा, वो फोन उठाता है और बताता है कि कितना डर है सरकार के भीतर। तो सब जानकारियां सबके पास हैं, आपके पास भी हैं, सरकार बहुत डरी हुई है। अब रही बात पीएससी की, तो ये तो एक कमिटी है, कमिटी का क्या निर्णय होगा वो तो मैं नहीं बता सकता, वो आप बता रहे हैं कि कोई बुलेटिन आया, मैंने नहीं देखा, तो जो भी कमिटी डिसीजन लेगी वो आपके सामने होगा, मुझे आइडिया नहीं उसका। अब ये आप पीएससी के चेयरपर्सन से पूछिएगा, लेकिन अभी हम लोगों का जो यहाँ काम है वो है सारे खुलासे आपके सामने, इस देश के सामने और इस देश की सरकार के सामने रखना। हमें मालूम है सरकार को इससे ज्यादा मालूम होगा, और हो सकता है इसी कारण से एक ऐसे व्यक्ति को एक रेगुलेटरी बॉडी में रखा गया है जिस व्यक्ति को वो दबा सकते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इफ द हेड ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, देन दैट हेड बिकम्स प्लायबल। परहैप्स दैट वॉज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड अपॉइंटिंग समबडी एज प्लायबल एज दिस, somebody as compromised as this. Sir, last time also when we were here and you held a press conference on this, you had raised some very serious allegations about ICICI and ICICI Prudential. We've asked this question, but I would again want to ask if you would like to reveal the source for that information,
because the bank has denied those allegations. No, bank in fact ended up giving you a lot of information through that denial. And based on that information, based on that so-called denial, we held another press conference and exposed them. So please wait for the entire series too. But the source of the information... You will get everything. I have, at the end of every press conference, I am challenging the SEBI chief. Please come out and deny. पवन जी, जिस तरह से आपने तमाम आरोप माधवीपुरी पर लगाए, इसके अलावा माधवीपुरी जी पे नहीं लगाए, सेबी के चेयरपर्सन पे, सेबी के चेयरपर्सन पर. लगभग 500 कर्मचारी सेबी के हैं जिन्होंने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है, कहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ पे वर्क कल्चर खराब हो रहा है, यहाँ का माहौल टॉक्सिक है, माधवीपुरी कर्मचारियों पर सरेआम चिल्लाती हैं, चीखती हैं और अनाप शनाप तक बकती हैं. मैंने पढ़ा है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो अनियमितताएँ हैं, सेबी प्रमुख के पद पर जो बैठा होता है या बैठी होती हैं, उनका पारदर्शी होना, उनके खातों का, उनके व्यावसायिक संबंधों का, उनके परिवार के व्यावसायिक संबंधों का पारदर्शी होना अत्यंत आवश्यक है इस देश के 10 करोड़ ऐसे लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इस विश्वास के साथ कि एक ऐसा रेगुलेटर बैठा है जो उनका अहित नहीं होने देगा, जो नियम कानून का सम्मान करेगा और मार्केट को स्थिर रखेगा. पवन सर, इधर सर, सवाल ये है कि आप लोग सेबी के चीफ के ऊपर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं, कोई आइडिया आप लोगों ने लगाया कितना नुकसान एक कॉमन इन्वेस्टर का हुआ होगा और कितना बड़ा आप ये तरीके का स्कैम बता रहे हैं, तो कितनी इंटेंसिटीज की हो सकती है? दूसरा सवाल ये सर, पीएसी ने बिल्कुल सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को बुलाया, उसमें सेबी भी एक शामिल है जो पता चल रहा है, तो क्या पीएसी के दायरे में और खुलासे हो सकते हैं या और जांच के दायरे में कुछ बातें सामने आ सकती हैं ताकि लोगों को सच पता चल पाए? आपने पिछली बार भी जब आईसीआईसीआई का था तब भी आपने ये सवाल पूछा था कि क्वांटम ऑफ लॉस कितना हुआ होगा, या जो राहत आईसीआईसीआई के केसेस में उन्हें मिली उसका क्वांटम क्या होगा. आपका सवाल उस वक्त भी मुझे अच्छा लगा, समझ में आया, लेकिन मैं उसको, हम लोग उसको, हमारी टीम उसको अभी कंप्यूट नहीं कर पाई है, क्योंकि बहुत सारे कागज़ आ रहे हैं, लोग भीतर से भी डिटेल्स दे ही रहे हैं, लेकिन इस पर भी मेरे को लगता है हम ज़रूर करेंगे, रिसर्च करके आपको बताएंगे कि कितना मॉनेटरी बेनिफिट इन कंपनीज़ को, जिनका हम नाम ले रहे हैं और आगे लेने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं. अभी जैसे आपके सामने जो फ़ोन आया वो चौंकाने वाला फ़ोन था, मैं उठाना इसलिए भी ज़रूरी था कि मैं उस फ़ोन की इंतज़ार कर रहा था और मैं खुद चौंक गया ये सुनकर कि जो हमारा डाउट था वो सही था. अब उस पर ज़्यादा अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि थोड़ा एक बार रिसर्च कर लें उस पर, लेकिन बेनिफिट लेना आर्थिक दृष्टि से, पैसा लेना, उनका परिवार उसी कंपनी से पैसे ले रहा हो, अलग अलग माध्यम से पैसे ले रहा हो, जिस कंपनी को इन्वेस्टिगेट करी, ऐसे और उदाहरण भी आए तो एक बार सब इकट्ठा हो जाए, फिर हम जरूर उस पर रिसर्च करके आपको बताएंगे. रही बात पीएससी की, तो देखते हैं, अभी आप ही से मुझे मालूम पड़ा कि इस तरह का कोई बुलेटिन में आया है, तो मुझे उसकी जानकारी नहीं थी. धन्यवाद.